महाराज की दौरे हुकूमत में कौमी यकजहती से महाराष्ट्र का उलझन देखता था। शिवाजी महाराज को मालूम था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस धरती के सपूत है, इनको मजहब के नाम पर बांटा नहीं जा सकता, इनको प्यार मोहब्बत की दौर से बांधा जा सकता है। हिंदू चला गया ना मुस्लिम चला गया, हिंदू चला गया ना मुस्लिम चला गया, इंसान की दस्तजू में इंसान चला गया। शिवाजी महाराज ने सभी धर्मों को ऐसा सम्मान दिया कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख क्या ईसाई सब शिवाजी महाराज के वफादार बन गए। शिवाजी महाराज की दौरे हुकूमत में 35% मुसलमान सिपाही उनके कौमी यकजहती का सबूत है। शिवाजी महाराज के राज्य में सब धर्म को एक नजर से देखना, सब धर्म स्थाई की इज्जत करना उनके कौमी यकजहती का सबूत है। शिवाजी महाराज ने मुगल और आदिल शाही से लड़कर स्वराज हासिल किया। शिवाजी महाराज हिंदू राजा थे लेकिन वो जात पात नहीं मानते थे, इसकी मिसाल उनकी फौज में मुस्लिम सरदारों की मौजूदगी है। सिद्दी इब्राहिम शिवाजी महाराज के प्रमुख अंग रक्षक थे, काजी हैदर शिवाजी महाराज के वकील थे, सिद्दी हिलाल घूर तरीके से सेनापति थे, इब्राहिम खान तोप खाना के प्रमुख थे, दौलत खान हरमाल दल के प्रमुख थे और दाऊद खान सूबेदार थे। ऐसे कई नाम शामिल है, इससे जाहिर होता है शिवाजी महाराज ने कभी इस्लाम से बेजारी जाहिर नहीं की और शिवाजी महाराज का हुक्म था औरत किसी भी धर्म की हो औरत की इज्जत करो, अगर कोई औरत को बेइज्जत करेगा तो उसकी सजा मौत होगी। अब हमें जरूरत है शिवाजी महाराज जैसे राजे की जो हिंदू को गले लगाए मुस्लिम को मुसाफा दे, चर्च की इज्जत करे गुरुद्वारे को तौकीर बख्शे, वतन के नाम से सबको इकट्ठा करे तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क शिवाजी महाराज की हकीकी सौराज को पा सकेगा और हमारा मुल्क और भी ताकतवर और बलवान होगा। इसके साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने मेरी तकरीर को बगौर समाज फरमाया। जय हिंद जय महाराज। धन्यवाद अफरा। अफरा साथी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे, अतिशय सुंदर असं त्यांनी उघवतं भाषण केलेलं आहे।